गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। यही दुआ हमेशा करती रहूँगी। गाइस, गर्मियाँ बहुत हुई भी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। और जो कि यहाँ पे तो इतना गर्मी भी नहीं होती, पर आजकल चारों तरफ आग लगी हुई जंगलों में, और उसकी वजह से भी गर्माइश बनी रही हुई। और अभी मुँह बार बार मुंह धोती रहती हूँ और ठंड सी पड़ती रहती फिर बार बार। और मैंने घर का काम सारा निपटा दिया है, राजीव भी स्कूल चला गया है, कपड़े भी धो दिए हैं और उसके कपड़ों में प्रेस की थी, क्योंकि 2 दिन से मुझे टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि शनिवार और को भी तबीयत ठीक नहीं थी, और संडे को मैं सत्संग में चली गई थी, ब्यास वाली सत्संग होती है राधा स्वामी वालों की, वहाँ चली गई थी, क्योंकि मैं बचपन से ही राधा स्वामी की लाइन में हूँ और राधा स्वामी हूँ मतलब मैं। आप सबका थैंक यू सो मच कि आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना हमेशा, जैसे अभी बनाते रहते हैं। और मैं लाइव आऊँगी शाम को डेली 7 बजे के और 7:30 बजे के बीच में, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आप सभी का, और मेरी वीडियो को हो सके तो फुल वॉच करें अगर किसी के पास टाइम हो, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आपका। यूट्यूब फैमिली, आप सभी अपना गर्मियों में आजकल ध्यान रखें, ज़रूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकले, नहीं तो आप अपने घर में अंदर रहें, क्योंकि बाहर लू लगने की लू लग सकती है, मतलब कि मुझे भी लगी। मैं काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली, सत्संग में गई थी, वापसी में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ लग गई थी, सर्द गर्म हो गया था, मतलब जैसे पित्त खराब हो जाता है, पित्त की वजह से ऐसे ही हो गया था मुझे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अपना फुल ध्यान रखें मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, और फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आपका ही सहारा है, और आप लोगों के बिना यूट्यूब में एक भी कदम हम आगे नहीं चल सकते, तो जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़रूरत भी है और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और थैंक यू सो मच आप सभी का।
मेरा नुकसान हो गया। ये मैंने सूट मीशो वाला से मंगाया था तो इसका कलर चले गया सारा ही। ये मेरे को ऐसे ठंडे पानी से धो रही थी मैं, इसको फर्स्ट बार धोया है, इसमें कलर निकल गया सारा ही। और बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का कि मेरे से पहले सूट वगैरह नहीं खरीदा जाते। ये खरीदा था, ये मंगवाया था, पर इसका कलर भी चले गया। ये कॉटन का सूट था, नुकसान हो गया समझो, क्योंकि रंग फेड हो जाता है सूट का, तब क्या फ़ायदा उसका। पर इसको मैं हमेशा अब अलग से धोया करूँगी जब तक ये है मेरे पास, अब डालना तो पड़ेगा ही। पर ये है कि इसका कलर निकल गया सारा ही, और मैं इसको और राजीव की सॉक्स अलग से धो रही थी, बस ये रह गया था मेरे, बाद में यही धोए थे मैंने। और एक एक्स्ट्रा टॉवल था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें इसका कलर टॉवल में चल जाएगा। एक्स्ट्रा टॉवल हम घर पे ऐसे ही रख रखते हैं, तो वॉश बेसिन में मैं इसका पानी डाल रही थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करना ज़रूर, और कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। Thank you.